हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब अच्छे रहें और घर में खुशहाली बनी रहे, अपने परिवार के साथ अच्छे रहें, एंजॉय करें। और मैंने बनाया इस तरीके से नरसे की गोली, और आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही सॉफ्ट हैं और खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बना के कोशिश करिएगा बनाने की, आप सबको बहुत पसंद आएगा फ्रेंड। तो चलिए देर ना करते हुए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई कमी है या कोई मतलब तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ठीक है? फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बनाने चल रहे हैं अनरसे की गोली, जो बहुत ही अच्छी लगती है इन दिनों में, सावन में खाने में बहुत अच्छा लगता है। सावन का महीना चल रहा है तो इस समय अनरसे की गोली बनाया जाता है और अच्छा लगता है इसी समय खाने में, यही सीजन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, एक ठो ऐसे बर्तन लेंगे, एक ऐसा, और उसमें इस कप से नाप के 2 कप चावल हम डालेंगे। और 2 कप इस तरीके से मैंने चावल को डाल दिया है, और ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, बस चावल को हमें 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देना है इसको। तो इसको भीगने के बाद में फिर आगे की रेसिपी हम दिखाते हैं क्या करना है वीडियो में। फ्रेंड देखिए, चावल को हमने साफ पानी से अच्छे से धुल के फिर इसको छन्नी में रख दिया था। ये देखिए इस तरीके से भर भरा हो गया है, और इसको धूप में मैंने नहीं सुखाया है, और ये हो गया है एकदम से भर भरा। तो अब इसको हम मिक्सी जार में पीस देंगे और देखते रहिएगा। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको पीस लिया है और अच्छे से पिसा गया है। अब इसको छन्नी से छान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको छन्नी से छान लूँगी, और बढ़िया से पिसा गया है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। हल्का सा मोटा है, इसको फिर हम दोबारा से पीस लेंगे। देखिए जो निकला है इसको हम दोबारा से पीस लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने छान लिया है, और इसमें जो थोड़ा सा बचा है, बहुत ज़रा सा है, ज़्यादा नहीं है, तो इसमें चीनी है, ये 2 कप में 1.5 कप चीनी है, मतलब सब मान लीजिए 150 ग्राम चीनी है। तो इसको भी इसी में डाल के पीस लेंगे, इसी में मिक्स कर लिया मैंने। तो फ्रेंड देखिए, इसमें हमने इधर चावल का आटा छान के और इस बर्तन में खाली कर लिया हमने। इसके लिए हमें ज़रूरत है चीनी की, जो मैंने आपको दिखाया है, और ये दूध है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सोडा है खाने वाला, और हम किसी चीज़ का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चीनी को ऐड कर ले रहे हैं। अच्छे से हम चीनी को और चावल के आटे को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, खाने वाला सोडा है, एक चुटकी, ज़्यादा नहीं है। तो बस इस सोडे को भी हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस चावल के आटे में। और अब हम यहाँ पे दूध मिक्स करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करके और एक अच्छा सा डो लगा लिया है, और इसको अब हम आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिर आगे की वीडियो हम दिखाते हैं आपको, बने रहिएगा वीडियो में। तो इधर देखिए फ्रेंड, मुझे आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है, ये परफेक्ट बन के रेडी हो गया है ये।
इधर कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। इस तरीके से देखिए मुझे अनरसे की गोली बना लेना है। डाल देना पास कर लो। यार ठीको का कुछ करो। हाँ हो ही रही मम्मी। कुछ नहीं सिखाएंगे हम तो। यूट्यूब पे फिल्टर नहीं आता आंटी। ऐसे फोटो खींचो ऐसे नजदीक करके थोड़ा और इसे घुसा दूं मैं। हाँ हाँ इसे थोड़ा घुसा करो। घुसा कर बढ़िया है। बस ज्यादा नहीं। जल्दी करो मम्मी गर्मी लग रही है यार। तो सबको बना ले तो फिर दिखाई पर अंदर से मेरे सारे बन के रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड देखिए बनके मैंने अनरसा गोली हो गई है रेडी, जो बहुत ही अच्छी मार्केट से भी अच्छी बनी है और खाने में बहुत टेस्टी लग रही है। ये बहुत ही मुलायम बनी है जैसा कि आप सब देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनी है ये अनरसे की गोली। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है फ्रेंड। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों में शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना वीडियो को। नए हैं फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।